वगैरह भारतीय महिला टीम की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय महिला टीम पाकिस्तान के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में जीत गई है, जिसमें भारतीय टीम के बल्लेबाजों के साथ भारतीय टीम के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और मुकाबले को अपने नाम किया। और इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के बाद भारतीय टीम की जीत को लेकर डेविड वार्नर का बयान सामने आया है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं डेविड वार्नर ने अपने बयान में क्या कहा, लेकिन उससे पहले स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारतीय महिला टीम वनडे वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड की सरजमी पर खेल रही है, जहां पर भारतीय टीम की कप्तानी मिताली राज ने करी और भारतीय टीम ने अपना वर्ल्ड कप मिशन का विजय रथ पाकिस्तान को हराकर आगे बढ़ाया है। और भारतीय टीम ने पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया, जिसमें भारतीय टीम की तरफ से कप्तान मिताली राज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 244 रन पर 7 विकेट पर बना दिए, जिसमें स्मृति मंदाना के 52 रन और पूजा के 67 रन की पारी के साथ राणा के 53 रन की नाबाद पारी की बदौलत भारतीय टीम 244 रन तक पहुंच पाई। तो दोस्तों दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाज में सभी गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान को मात्र 137 रनों पर ऑल आउट कर दिया और मुकाबले को 108 रनों से जीत लिया। और भारतीय गेंदबाजों की तरफ से राजेश्वरी गायकवाड़ ने 4, झूलन गोस्वामी और राणा ने 2-2 और दीप्ति शर्मा और मेघाना ने 1-1 विकेट हासिल किया। तो वहीं मुकाबले में मैन ऑफ द मैच पूजा को दिया गया, जिन्होंने अर्धशतक की पारी खेलकर और महत्वपूर्ण साझेदारी कर मुकाबले में मजबूत स्थिति में भारतीय टीम को पहुंचाया था। और वहीं डेविड वार्नर ने भारतीय टीम की जीत पर बयान दिया है कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि भारतीय टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने ठीक ठाक शुरुआत करी थी, लेकिन बीच में भारतीय टीम ने लगातार विकेट गिरने लगे और भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर दबाव आ गया था और उसके बाद भारतीय टीम के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने पारी को संभाला, जो वास्तव में ही काबिले तारीफ है, क्योंकि अगर भारतीय टीम की निचली क्रम की खिलाड़ी भारतीय टीम की बल्लेबाजी को नहीं संभालती तो भारतीय टीम 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते, लेकिन भारतीय टीम के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने ऐसा कर दिखाया। इसके बाद आगे का काम भारतीय टीम के गेंदबाजों ने कर दिया, जिन्होंने पाकिस्तान की टीम को लगातार झटके पर झटके दिए और पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा दबाव में डाल दिया और इस दबाव से भारतीय टीम पाकिस्तान को निकलने नहीं दे रही थी, जो असलियत में पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मनाक प्रदर्शन था। लेकिन भारतीय टीम की काबिलियत की तारीफ रहेगी कि भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भारतीय टीम को इतनी मजबूती प्रदान कर दी जो पाकिस्तान को निकलने ही नहीं दे रही थी। और भारतीय टीम की राजेश्वरी गायकवाड़ ने जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन करके पाकिस्तान के बल्लेबाजों को फंसाया है, वो वास्तव में शानदार गेंदबाजी की और भारतीय टीम की जीत के लिए भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों को बधाई और उम्मीद है आगे भी भारतीय टीम ऐसे ही प्रदर्शन करेगी और इस बार का वर्ल्ड कप अपने देश में ले जाएगी। दोस्तों भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप को जीत सकती है नहीं, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।